दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की टेस्ट सीरीज में शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जीत के साथ भारतीय खिलाड़ियों की पाकिस्तान खिलाड़ियों ने की जमकर तारीफ, तो वहीं बांग्लादेश का मजाक उड़ाते हुए किया सभी को हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जीत मिल गई है, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों का बयान सामने आया है। इस बीच मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम से लेकर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ ने बांग्लादेश की टीम का मजाक उड़ाते हुए भारतीय टीम की तारीफ कर एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो आखिरकार पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की जीत के बाद क्या कुछ कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत की जीत में सबसे बड़ा हाथ किसका है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को बल्लेबाजी के लिए बुलाते हुए 233 रन पर ऑल आउट कर दिया और इसका पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 285 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाया। और जब भारतीय टीम के सामने बांग्लादेशी टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आई तो 146 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके चलते 94 रन की लीड बांग्लादेश को मिली और 95 रन का लक्ष्य भारत को मिल गया, जिसको भारतीय टीम ने बड़े आसानी से अपने नाम कर दिया। ऐसे में भारत की जीत के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए बांग्लादेश के खिलाड़ियों का मजाक उड़ाते हुए एक बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने इस मैच के अंदर जीत दर्ज करते हुए बांग्लादेश की टीम को उनकी असली औकात दिखा दी है। भारतीय टीम ने आज बांग्लादेश की टीम को हराते हुए हमारी टीम का बदला पूरा कर लिया है, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद थी कि बांग्लादेश की टीम ने हमें तो हराया है लेकिन वो भारतीय टीम को हरा भी नहीं पाएंगे, सच भी साबित हो गया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं और जिस प्रकार से भारतीय टीम ने अपने घर पर टोटल डोमिनेंस वाला परफॉर्मेंस करके दिखाया है, उसके सामने बांग्लादेश की टीम का बेहतर प्रदर्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में भारतीय टीम को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं बाबर आजम ने अपने बयान में कहा कि भारतीय टीम ने इस मैच में काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि गेंदबाजी से भी भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर दिखाया है। मुझे इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से किसी एक या फिर दो खिलाड़ी का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, बल्कि इस टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। हालांकि बांग्लादेश की टीम ने एक समय पर भारतीय टीम को काफी ज्यादा परेशान किया था, लेकिन भारतीय टीम को किसी भी तरीके से उनके घर पर हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ जीतते हुए हमारा पतला पूरा कर लिया है। तो वहीं हारिस रऊफ ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने इस मैच के अंदर अपने प्रदर्शन के जरिए सभी को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से कोई एक या दो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, बल्कि पूरी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाई है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को अपने घर पर हार कर हराया है, लेकिन बांग्लादेश की टीम की यह औकात नहीं है कि वो भारत को उसके घर में जाकर हरा दे। बांग्लादेश की टीम अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत समझ रही थी और ये भी कह रही थी कि वो भारत को आसानी से हरा सकती है, लेकिन भारतीय टीम के खिलाफ भारत के घर में बांग्लादेश की टीम को पूरी तरह से जलील किया गया है। तो वहीं शाहीन शाह अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि आज भारतीय टीम ने इस मैच में काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत से खतरनाक टेस्ट टीम कोई भी नहीं है और भारत को उसके घर में हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम को इस मैच में हराने के साथ हमारी टीम का बदला पूरा कर लिया है, क्योंकि हम चाहते थे कि भारतीय टीम इस मैच के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज करे और इस सीरीज को अपने नाम कर ले, क्योंकि बांग्लादेश की टीम ने हमें आसानी से हराने के साथ काफी ज्यादा जलील किया था। ऐसे में भारतीय टीम की जीत को देखकर अब मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को हराया ना कि बल्कि जलील किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टेस्ट टीम की टेस्ट जीत के असली हीरो कौन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।